बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो नेक्स्ट हमने इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के एमसीक्यूज़ करेंगे। टोपोलॉजी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, फाई एक्सो है कि नन ऑफ दीज है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। इसके अंदर सारे ओपन सबसेट्स आ जाते हैं एक्स के। उसके बाद सेकंड है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़, हाँ जी ये वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, टा वन टा टू बी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखें, अगर दो टोपोलॉजीज डिफाइन की जाए ना एक्स पे, तो उनका यूनियन जो है वो टोपोलॉजी नहीं होती एक्स के ऊपर, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं होती, मे नॉट बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन जो है वो टोपोलॉजी होता है एक्स के ऊपर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द कलेक्शन टा कंसिस्ट ऑफ द एम्प्टी सेट फाई एंड आल सबसेट ऑफ एक्स हूज कॉम्प्लीमेंट आर फिनाइट। तो अब ये किसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है? तो ये हमने कोफिनाइट टोपोलॉजी की स्टेटमेंट पढ़ी है ये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है, द कलेक्शन टा कंसिस्ट ऑफ द एम्प्टी सेट फाई एंड आल सबसेट ऑफ एक्स हूज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल। काउंटेबल का वर्ड आ गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये को काउंटेबल टोपोलॉजी है ऑन एक्स पे। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज है, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड टा बी अ कलेक्शन ऑफ आल ओपन सबसेट ऑफ एक्स देन टा इज अ। हाँ जी, इसमें देखें सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट है, तो ये टोपोलॉजी होगी एक्स के ऊपर, ठीक है। ये डी ऑप्शन आप इसका लगा लें। कोफिनाइट की भी स्टेटमेंट हम जानते हैं, को काउंटेबल की भी हमने अभी देखी, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी भी हम जानते हैं, ये तो ये टोपोलॉजी होगी एक्स के ऊपर। सेवन्थ एमसीक्यूज है, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड टा बी अ कलेक्शन ऑफ आल ओपन सबसेट ऑफ एक्स देन टॉ इज कॉल्ड। तो फिर टॉ को हम क्या बोलेंगे? देखें, इसमें ये वर्ड आ गया ना मीट्रिक स्पेस का, तो मीट्रिक स्पेस का वर्ड जब आ जाए तो ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है और टॉ कलेक्शन है तमाम ओपन सबसेट एक्स के तमाम ओपन सबसेट्स की, तो फिर इसको यूजुअल टोपोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स विद द प्रॉपर्टी डैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मीट्रिक ऑन द सेट एक्स हूज कलेक्शन ऑफ जनरेटेड ओपन सेट्स इज प्रिसाइसली द गिवन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट आपको किसकी मतलब नज़र आ रही है? डिस्क्रीट स्पेस की भी स्टेटमेंट हम जानते हैं, इनडिस्क्रीट की भी, कोफिनाइट की भी अभी मैंने ऊपर आपको बताई। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मीटराइजेबल, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं भी याद आ रही हो ना, तो बाकी ऑप्शंस देख लिया करें, जिस तरह अब हमें इन तीनों का पता है और इसकी भी हमने पढ़ी हुई है स्टेटमेंट, तो इसका ये है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेट ए अगर सबसेट है एक्स का और टा कंसिस्ट ऑफ आई एंड एवरी सुपर सेट ऑफ ए देन टा को क्या बोलेंगे? अब देखें, ये जो टा है वो कंसिस्ट कर रहा है फाई पे और एवरी सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ए के सुपर सेट को कंसिस्ट कर रहा है ना, ए इंक्लूजन प्रॉपर्टी ऑन एक्स, ये डी ऑप्शन बोलेंगे। इसी तरह अगर ये एक्स के एक्स को कंटेन करता, फिर हम इसको ए एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी बोलेंगे। नेक्स्ट देखें, लेट बी अगर कंटेन कर रहा है एक्स में एंड टा कंसिस्ट कर रहा है फाई और हर सुपर सेट ऑफ बी, पी के हर सुपरसेट को, फिर टाओ को क्या बोलेंगे? तो जिस सुपरसेट, जिसके सुपरसेट को कंटेन करता है ना, वो हमारे पास वो इंक्लूजन टोपोलॉजी होती है एक्स पे, तो इसको बोलेंगे पी इंक्लूजन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हर पी के सुपरसेट को कंसिस्ट कर रहा है ना टाओ, तो ये पी इंक्लूजन। इसी तरह देखें, जैसे बात करते हैं फाई, ये जो टा है वो कंसिस्ट करे एक्स को और हर सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के हर सबसेट को जो कि इंटरसेक्ट नहीं करता, विच डज नॉट इंटरसेक्ट ए, ए के साथ इंटरसेक्ट ना करे, देन टा इज कॉल्ड, फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ए एक्सक्लूजन। अगर ए के
उसको सुपर सेट को ए के हर सुपर सेट को कंटेन करे फिर इंक्लूजन का वर्ड, और अगर एक्स के हर सबसेट को जो है वो कंसिस्ट करे फिर ए एक्सक्लूजन। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है लेट बी, ये भी वही है, कंसिस्ट करे एक्स कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड एवरी सबसेट ऑफ एक्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट पी, देन टा को बोलेंगे पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हाँ जी कौन सी ट्रू होगी, इंटरसेक्शन करें दो टोपोलॉजीज़ का तो ये टोपोलॉजी होती है, ये उन्होंने हमें गलत बताया हुआ है, ये नहीं होगी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ कभी भी नहीं होती टोपोलॉजी, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी देखें अ सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज इट सेल्फ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, हाँ जी ये सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है ये इसका करेक्ट है। और उसके अलावा डी भी गलत है कि जिसकी टोपोलॉजी तो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है उन्होंने वीकेस्ट कहा हुआ है, तो ये तो हो गई नहीं। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें भी देख लें सारे ऑप्शंस जो इंटरसेक्शन, ये भी नहीं है। फर्स्ट वाला द सब स्पेस ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो अ डिस्क्रीट स्पेस, हाँ जी इसका ऑप्शन जो है ना वो बी करेक्ट है, कि ये बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज, हाँ जी अब टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं एक्स कोमा टाउ को, एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उस पर जो टाउ टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, उस टाउ के जो अंदर सेट्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स बोलते हैं एक्स के, तो वो ओपन ही होते हैं ना सारे, तो हर सबसेट क्या होता है इसका ओपन होता है, डी ऑप्शन इसका ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेट एक्स अगर ये सेट है नॉन एम्प्टी विद टोपोलॉजी इस पर ये डिफाइन है एंड वाई हमारे पास ये उन्होंने एक सबसेट दे दिया इस वाई का सॉरी इस एक्स का, ये सबसेट है एक्स का, देन इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। ठीक है जो ऑप्शन हमें इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन सूटेबल है वो हम लगाएंगे, तो फर्स्ट देखें बी कोमा सी इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ वाई, के क्या ये ओपन सबसेट है वाई का, तो जी ये फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। बाकी भी देख लें पहले कि जो सिंगलटन ए है ये क्या ओपन सबसेट है वाई का, तो देखें वाई के अंदर तो हमारे पास कहीं ए है ही नहीं, तो ये बी ऑप्शन तो नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें बी कॉमा सी इज एन ओपन सबसेट है एक्स का, तो बी कॉमा सी अब इसमें से देखेंगे इनमें कहीं बी कॉमा सी नज़र आ रहा है नहीं ना, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और बी कॉमा सी जो है वो क्लोज सबसेट है एक्स का, तो इसमें है ही नहीं बी कॉमा सी, और वैसे भी क्लोज नहीं होता, ये टाओ में सारे ओपन होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कि बी कॉमा सी जो है वो ओपन सबसेट है वाई का, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ़ वाई इज इक्वल टू 0,1 क्लोज इंटरवल इज अ सबस्पेस ऑफ आर विद रियल टोपोलॉजी, देन इनमें से हमने बताना है कौन सा इंटरवल है ओपन सबसेट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0,1/2, 0 की तरफ से क्लोज है 1/2 की ओपन है, तो क्या ये ओपन हमने सबसेट है एक्स का। देखें पहली बात यहाँ वाई दिया हुआ है ना, ये सबस्पेस है इस आर का, तो हमने इसका फर्दर आगे कोई इंटरवल बताना है जो इसका ओपन सबसेट हो, तो ये फर्स्ट ये ए और सी ऑप्शन तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें ओपन सबसेट है एक्स के ये दोनों ना दोनों इंटरवल। इनमें देखें ज़ीरो के बाद 0 और 1 के बीच में क्या आता है 1/2 आता है ना, 1/2 के बाद ही 1 आता है, तो 0,1/2 इंक्लूड नहीं है, ये जो इंटरवल है वो ओपन सबसेट है इस वाई का। ठीक है तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इंटरवल ही 0,1 है, तो वो उन्होंने एज इट इज़ पूरा का पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज, हाँ जी यूनियन करें तो हमारे पास ये क्या आता है ओपन आता है, ओपन सबसेट का क्या आएगा यूनियन भी ओपन ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी डैश ऑफ ओपन सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन, हाँ जी इंटरसेक्शन हम कैसे नंबर्स का इंटरसेक्शन करें कि हमारे पास वो ओपन आ जाए, तो नंबर्स का करेंगे काउंटेबल नंबर्स का करेंगे फिनाइट नंबर्स का या इन्फिनिट नंबर्स का, तो फिनाइट नंबर्स का करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है इसकी। इसका लास्ट एमसीक्यूज है एवरी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स ईच सिंगलटन सबसेट इज,
हाँ जी, हर सबसेट ओपन कब होगा? अगर हर सिंगल सबसेट भी क्या हो, ओपन हो, तो ये इसका बी ऑप्शन है, करेक्ट। तो ये हमारे 20 MCQs हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।